हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गाइज आपको बता दूं कि महिंद्रा ने आप सभी का इंतजार खत्म कर दिया है। जस्ट अभी महिंद्रा ने अनाउंस किया है कि 27 अगस्त को लॉन्च होने जा रही है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। गाइज इस लॉन्च में मोस्ट फनी पार्ट मुझे ये लगा कि महिंद्रा ने बोला है कि मुबारक हो बाप हुआ है, जो कि बहुत फनी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, इस बार ये स्कॉर्पियो प्लस, स्कॉर्पियो न्यू, स्कॉर्पियो एडवांस कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्कॉर्पियो नहीं होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो एन एक अलग गाड़ी है जो कि स्कॉर्पियो के साथ ही कंटिन्यू करेगी। अब महिंद्रा ने इसका नाम स्कॉर्पियो एन रखा है, तो ये बन गया स्कॉर्पियन। एक्चुअल में ये स्कॉर्पियन होता है, जिसका मतलब है बिच्छू, तो इसे हम महिंद्रा बिच्छू भी बुला सकते हैं। अगर लुक्स की बात करें तो लुक एक सब्जेक्टिव चीज है। क्या होता है यार कि कुछ गाड़ियों का लुक हमेशा से ही मस्त लगता है, जैसे कि फरारी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, एस्प्रेसो एक्सेट्रा। कुछ गाड़ियों का डिजाइन कुछ टाइम के बाद अच्छा लगने लगता है, जैसे क्रेटा XUV 700। जब स्कॉर्पियो की पिक्चर्स लीक हुई थी, सब मीम बनाने लगे थे वैगनार के साथ कि बाप हुआ है। इसमें 360 डिग्री का कैमरा दिया है एंड ORVMs काफी बड़े हैं एंड उन्हीं के ऊपर इंडिकेटर्स दिए हैं। अगर हम इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो वह काफी स्क्वायरिश हैं, जो कि एंडोवर की तरह लगते हैं। रियर से देखने में ये व्हीकल मुझे उतना खास नहीं लगा, इसीलिए महिंद्रा ने भी रियर व्यू की बहुत ही कम फुटेज डाली है, लेकिन फ्रंट से ये काफी दमदार और एकदम मस्त लुक लगता है। एंड अगर आप साइड से बात करें तो साइड से देखने में ये गाड़ी काफी ही बड़ी लगती है। यस डैड इज टू बी। महिंद्रा ने इस कार में टायर साइज काफी छोटा दिया है, ये थोड़ा बड़ा और हो सकता था, लेकिन इसमें जो अलॉय है वो देखने में काफी अट्रैक्टिव है और अलॉय के ऊपर लोगो भी मस्त लग रहा है। गाइस आई जस्ट लव दिस कार, रियली इट्स टू ह्यूज एंड टू बिग कार। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।